प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है DLS Education। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान जो है आपका उसका मॉडल पेपर यानी कि बोर्ड एग्जाम बोर्ड द्वारा जो जारी किया गया क्वेश्चन है, पूरे 80 क्वेश्चन आज हम लोग जानने वाले हैं। जो इंपोर्टेंट VVI गेस किया गया क्वेश्चन है वो हम लोग जानने वाले हैं। साथियों, ये जो आपका विज्ञान सब्जेक्ट है साइंस जो है, इससे आपके एग्जाम में 80 नंबर का आपका जो है एग्जाम होता है और 20 अंक का आपका प्रैक्टिकल होता है। इस तरीके से 100 अंक का पेपर होता है, ठीक है। और ये जो परीक्षा होगी आपका 2 घंटे 45 मिनट की होगी। ये आप 80 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है साथियों वो कितने पूछे जाएगी, 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसके बाद से इसमें से 40 क्वेश्चन बताने होंगे। एक बार आप हमें बता दीजिए कि मेरी आवाज जा रही है ना, बहुत मजा आने वाली है। और आज आपको 80 में 80 क्वेश्चन को आपको एकदम सही करके दिखानी है। आपको ऐसा एकदम टारगेट रखना है कि बिल्कुल सर 80 में 80 सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार जोरदार तरीके से साथियों एक बार शेयर कर दो, जब तक शेयर नहीं करते मजा नहीं आती है, एनर्जी नहीं मिलती है ना। चलिए आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन के, और एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बखूबी तरीके से, शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से दीजिएगा। साथियों मैं बता दूं कि आपको जो AMR सीट है उसमें आपको इसको भरना होगा। आपको ऐसा आज समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आपके सामने यू क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग उसका जवाब शानदार तरीके से देते जा रहा है, ठीक है। चलिए आइए मैं बात करता हूं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, फिर बातें होती रहेगी शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी से कि पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। देखिए यहां पे 4 ऑप्शन है, आपको ऐसा समझना आपके एग्जाम हॉल में बैठे हुए ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो कह रहा है कि जड़ में, पुष्प में, या तना में, या फिर फल में। जल्दी से बताओ तो फटाफट से, जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्या होगा, पौधों में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पौधों में जो जनन अंग साथियों पाए जाते हैं वो जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा तो आपको टिक करना होगा ऑप्शन बी कि पुष्प में जो है वो जनन अंग पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका बिल्कुल ही सही जवाब। ओके डन हो गई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपको मिल रही है आपके स्क्रीन पे, ये बहुत ही शानदार है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके, चलिए बाबू, हाँ बहुत बढ़िया, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है साथी वो ये रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफी शानदार बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी से जवाब बताना आप लोग फटाफट से, जवाब बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है। भाई प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया बटे वो कई में होला, जंतुओं में, या फिर कवकों में, या फिर परजीवों में, या फिर हरे पौधों में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और एक बार जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से करेंगे, जिससे कि आपको आगे से क्लास, आगे से आपको वीडियो मिला करे, नहीं तो आपको आगे से क्लास और आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। जल्दी बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फटाफट से बताइए तो किसमें होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। बहुत बढ़िया, ऑप्शन क्या आ रहा है सर, डी नंबर की हरे पौधे में होती है, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 80 में 80 करके जाना है ना, 80 में 80 देखते हैं आज बच्चे कौन जो 80 में 80 करके जाते हैं, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक बार कर दो यस गुरुजी, आगे बढ़िए। चलिए महोदय आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है, वो किससे बाहर निकलता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग इसका जवाब बताइएगा कि इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो क्या होगा। फटाफट से जल्दी से जवाब बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर जो है वह किससे निकलता है, जल से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है, या CO2 से निकलता है, या फिर जल्दी बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल यस यस, बहुत बढ़िया, चलिए बताइए तो फटाफट से जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा। बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है सी नंबर, बहुत बढ़िया, जैसे कि हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मनोज कुमार जी बहुत बढ़िया, खुशी जी खुशी, आशुतोष कुमार जी बहुत बढ़िया, एम ए लडला बहुत बढ़िया, जय जी बहुत बढ़िया, सुमंत जी कुमार बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल, जो हम लोग का ये क्या नाम है इसका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसका होती है, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, बहुत बढ़िया। चलो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब बताइएगा। कह रहे कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, जल्दी से बताइए तो फटाफट जवाब कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है, जल्दी से जवाब बताइए जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है बाबू, जल्दी से। बहुत बढ़िया, जरा ये देखो नंबरिंग नंबर लिख करके आप लोग जवाब दीजिए कि कितने नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं, जिससे हमको पता चलेगा, ठीक है। और एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे, है ना। चलो यकृत से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो जाएगा, आपका ऑप्शन है यकृत से होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया जो है संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है जल्दी बताओ फटाफट से, चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए साथियों। बहुत बढ़िया चिंतू जी, रजनीश जी, रंजीत कुमार जी, चेतन सिंह जी, मुन्नी कुमारी, बहुत बढ़िया अभिषेक कुमार जी, बहुत बढ़िया सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। पांचवें नंबर प्रश्न का जवाब बताइए, पांचवें नंबर प्रश्न का जवाब बताइए बहुत ही शानदार तरीके से, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। कहां? कोशिका द्रव में। जितने भी बच्चे ऑप्शन डी दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। ओके आगे बढ़े, यस गुरु जी आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं। एक बार शेयर करना, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में जाना चाहिए, हर एक टेलीग्राम ग्रुप में जाना चाहिए। जल्दी से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। समय काफी कम है साथियों, ये रिवीजन जो है बहुत ही ज्यादा वीवीआई जो क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, इसे आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मॉडल पेपर से ली गई है। जल्दी बताइए, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, जल्दी बताइए। सर आप मेरा नाम नहीं लेंगे क्या? बिल्कुल नाम लेंगे। तनिषा शर्मा जी, अन्नू कुमारी, विशाल कुमार जी, धर्मेंद्र जी, खुशी कुमारी, रितेश कुमार जी, बहुत बढ़िया। जल्दी से बिल्कुल हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे एकदम फटाफट तरीके से। सिक्स का क्या होगा? हाँ बी नंबर बिल्कुल, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और बिहार बोर्ड के द्वारा यह जारी किया गया क्वेश्चन है साथियों, यह ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बताया जा रहा है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या, ये सॉरी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? हाँ वो क्या है बता दिए फटाफट से, जल्दी से, बहुत बढ़िया सही जा रहा हो एकदम बढ़िया लाजवाब तरीके से साथियों। सातवें नंबर प्रश्न का जवाब बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया, चलिए एकदम बेहतर करना है साथियों, एकदम बेहतर करना है। क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सही है। चलो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे स्वीटी यादव जी, नहीं आपको क्यों इग्नोर करेंगे, ऐसी क्या बात हो गई है। चलो अगला क्वेश्चन, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, जल्दी बता दो फटाफट से। यह समझो कि आपका टेस्ट हो रहा है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग उसका बखूबी बेहतर तरीके से आप लोग जवाब देते जा रहे हो। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए तो फटाफट से, इसका जवाब क्या होगा कि पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। जल्दी से बताइए कि ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब कराइएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत जल्दी आने वाला है साथियों, वो भी दिन आने वाला है बहुत जल्दी। आठवें नंबर प्रश्न का जवाब बताइए, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन कह रहा है कि घेंघा रोग पनपता है बाबू। घेंघा रोग जो किसके कारण पनपता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि रक्त की कमी से या चीनी की कमी से या फिर आयोडीन की कमी से या फिर मोटापा से, जल्दी बताइए फटाफट तरीके से साथियों, जल्दी से जबरदस्त तरीके से फटाफट से बताइए किसके कमी से होता है। अरे हमने के जाना तो नहीं सका चीज। चलिए किसके कमी से? आयोडीन की कमी से होला ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते क्या है, जल्दी से मेरे शेयर फटाफट से जवाब बताओ और एक बार शेयर करो, जल्दी से शेयर करो एक बार। दसवें नंबर प्रश्न का जवाब बताना, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसे साथियों? उससे हम लोग कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। ऑप्शन देखो कहां है, ऑप्शन आपका सी नंबर दिया गया है, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का, यहां पे देखना ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, जल्दी से फटाफट से, समय को ध्यान में रखते हुए जितने तेजी से जवाब दे सकते हो उतने तेजी से जवाब दीजिए। 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा सर? डी नंबर सबका जवाब आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर होगा बिल्कुल ही। चलो
आगे बढ़े, अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पाई जाती है किस में, जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। अरे भाई साहब, हम लोग सभी बच्चे जानते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां पाई जाती है, जल्दी बताना, फटाफट से जल्दी बताइएगा कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा कि पौधों में पाए जाते हैं, पौधों में होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर जो दिया गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। ये क्वेश्चन इस वर्ष आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ऊंट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, या फिर मानव में। किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो तिलचट्टा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तिलचट्टा में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। समय को ध्यान में रखते हो, एकदम कम समय में एकदम बेहतर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त क्या है। भाई साहब, रक्त बताना है कि रक्त जो है वह क्या है, रक्त क्या है, रक्त बताइए, पदार्थ है, ऊतक है, या फिर कोशिका है, या फिर में से कोई नहीं। जल्दी से 14 नंबर प्रश्न का जवाब, बहुत बढ़िया बाबू, 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, ऊतक है, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। खुशी जी, अंशु जी, गौतम जी, पीयूष कुमार, सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊतक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर जो दिया गया है वो सही जवाब हो जाएगा, ऊतक, क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। ठीक है, डन है, क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी जवाब बताना, जल्दी जवाब बताना। कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताइए। सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, संजीत कुमार सिंह जी, संजीत जी बहुत बढ़िया। चलिए, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, 15 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। 80 में 80 ठोकना एकदम जल्दी जल्दी फटाफट से, क्या हो जाएगा सर जी, सी नंबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर, सी नंबर, यूक्रोम होता है, क्या होता है, यूरोक्रोम होता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या आप सही जा रहे हो, चलो बिल्कुल सर, नहीं बाबू ऐसा बात नहीं है, एस श्रवण कुमार बाबू, श्रवण बाबू साहेब, अच्छा ऐसा नाम है आपका, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ें। अगला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी तंतु है, सॉरी जंतु है ना, उभयलिंगी जंतु कौन सी है, यहां से चार ऑप्शन दी गई है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका जवाब बताइए एकदम शानदार तरीके से बाबू, और बहुत जल्द कुछ आपके लिए अनाउंसमेंट होने वाली है। ठीक है, मैं बार बार अभी से आपको सचेत करते जा रहा हूं कि कुछ एक अनाउंसमेंट आपको हम करने वाले हैं काफी खास। ठीक है, चलो उस दिन आपको क्लास में एकदम जोरदार तरीके से एकदम उसी टाइम पे जुड़ना होगा। ठीक है, चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, जल्दी से बताओ फटाफट से, उभयलिंगी कौन है, देखो उभयलिंगी कौन है, केचुआ हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, केचुआ, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल सर सही है, चलो आगे बढ़े, बिल्कुल सर, चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब समय आ चुका है आपको बेहतर करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, जल्दी बता दो, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है, जल्दी बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो, ऐसा समझो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन आ रहा है, यूं आप बोलो बताते जा रहे हो, क्या हो जाएगा सर, सी नंबर, यकृत से, क्या हो जाएगा, यकृत से, ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब। चलो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो हम सभी का कह रहा है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है, जल्दी बताइए फटाफट से, 18 नंबर क्वेश्चन की जवाब, 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से, क्या होगा भाई, क्या होगा, जल्दी से बताओ तो, क्या होगा, डीडीटी, क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, ऑप्शन आपका हो जाएगा डीडीटी, क्या हो जाएगा सर, डीडीटी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक बार लाइक करके हुंकार भर के एकदम शेयर कर दो फटाफट से सर, शेयर करो, जल्दी से शेयर करिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता बाबू कौन है, जल्दी बता दो, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, इसमें से चार ऑप्शन आपको बतानी है कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, जल्दी बताओ फटाफट से,
जल्दी से बताइए फटाफट से 19 नंबर प्रश्न का जवाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? शाकाहारी, ऑप्शन बी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण, बाबू भूमिगत जल का उदाहरण क्या है? जल्दी बताओ फटाफट से भूमिगत जल का उदाहरण। 20 नंबर प्रश्न का जवाब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए फटाफट से। 20 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। ए नंबर, बहुत बढ़िया। भूमिगत जल का क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुआं, ऑप्शन नंबर ए। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीव का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीव का विकास क्या कहलाता है? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए फटाफट से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप लोग फटाफट से इसका जवाब करिए। 21 नंबर प्रश्न का जवाब, सी नंबर, डार्विनवाद। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। इतने यार जबरदस्त तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हो, मजा आ जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करके, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या फिर इनमें से कोई नहीं। 22 का जल्दी जवाब बताइएगा फटाफट से, किसका सही जवाब क्या होगा? हरे पौधे कहलाते हैं। सर हरे पौधे जो होते हैं वो याद रखना उप उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा? सर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि उत्पादक कहलाते हैं। डन है, चलो आगे बढ़े एकदम समय को ध्यान में रखते हुए, समय काफी कम है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? अंडो उत्सर्ग का जो कारण है साथियों वो क्या है? जल्दी से जवाब बताइएगा। विकास कुमार जी, राकेश जी, दिव्या कुमारी जी, बहुत बढ़िया। आरके बाबू, आनंद कुमार जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया जा रहे हैं। अंडो उत्सर्ग का कारण क्या है? जल्दी से 23 नंबर प्रश्न का जवाब। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? एलएच के नाम से जिसे एलएच है ना, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करे कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है? जल्दी से जवाब बता दो, जल्दी से जवाब बता दो फटाफट से। 24 नंबर प्रश्न का जवाब, 24 नंबर प्रश्न का जवाब बता दो फटाफट से। डी नंबर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? डी नंबर, ब्रिक, ब्रिक में क्या हो जाएगी? सर ब्रिक यानी कि किरणी में क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा एकदम शानदार तरीके से। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा सर, आयोडीन का होना जरूरी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, 80 क्वेश्चन करनी एकदम फटाफट तरीके से, क्या करनी है? 80 क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े एकदम शानदार तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चल कणिकाएं कहां पाई जाती है? निश्चल जो कणिकाएं हैं वो पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में या फिर इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर प्रश्न का जवाब, जल्दी से आप लोग बताएंगे एकदम फटाफट तरीके से, जल्दी से। 26 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? सर सी नंबर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? न्यूरॉन में। क्या हो जाएगा सर? न्यूरॉन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा जो है वो सी नंबर, आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो, इस प्रश्न का जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा। प्रश्न कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? भाई मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह कितना होता है? 27 नंबर प्रश्न का जवाब, मानव मस्तिष्क का। रुचि जी बहुत बढ़िया, राहुल कुमार बहुत बढ़िया, क्या हाल है, ठीक है ना? दिव्या जी, ज्योति कुमार जी बहुत बढ़िया, आशुतोष राज, दिलकुश जी, दीपक कुमार जी बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा बताओ? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 27 नंबर प्रश्न का जवाब, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। क्या होता है? लगभग 1.2 से लेकर के 1.5 kg के करीब होता है, यानी कि 1.4 आप कह सकते हैं, इसी के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है सर? सी नंबर। अगला, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है?
जल्दी से जवाब बताइए। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ये आप लोग फटाफट से जवाब बताइए, जल्दी से जवाब बताइए। 28 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी नंबर आप लोगों का सही जवाब जा रहा है कि काल्पनिक और सीधा होता है। कैसा होता है सर? काल्पनिक और सीधा होता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन पे और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है यहां से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। भाई साहब साइड मिरर के रूप में हम सभी तो जानते हैं ये, और ये सबसे शानदार और सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका जवाब आप लोग यूं दे सकते हो बढ़िया तरीके से। भाई साहब याद रखना कि साइड मिरर के रूप में यदि हम बात करते हैं, साइड मिरर या साइड दर्पण कहे तो किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण की। किसके? उत्तल दर्पण की, ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है साइड मिरर के रूप में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर बोला जाए दाढ़ियों में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण, जल्दी से कमेंट करो तो दाढ़ियों में कौन सा दर्पण का, दाढ़ी बनाने में कौन सा यानी कि हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? कहना कि सर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसमें? किसमें कहोगे तो आपको कहना होगा दाढ़ी बनाने में सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला देखो, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? जल्दी से एकदम फटाफट से एकदम शानदार और लाजवाब तरीके से जवाब दो फटाफट से। क्लास को छोड़ के नहीं जानी है, पूरे 80 में 80 ठोक के ना आया आज आपको, पूरे 80 में 80 करके जाना है, पूरे 80 में 80 करके जाना है। जल्दी बताइए फटाफट से कि इसका जवाब जो होगा वह क्या होगा, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। 30 नंबर प्रश्न का, बहुत बढ़िया सभी बच्चे का क्या जा रहा है? हाँ बहुत बढ़िया, कैमरामैन फोकस करो सर, स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा ये बात है, हम तो नहीं जान रहे थे भाई साहब। चलो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, जल्दी से बताइए तो। 30 नंबर प्रश्न का जवाब, 30 का जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, ए हो जाएगा, आभासी होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला, ऊर्जा का एसआई मात्रक, जल्दी से बताएंगे आप लोग ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से जवाब बताएंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्यारे से मंटू सर, आपके द्वारा बनाए गए मंटू सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है जल्दी बताओ फटाफट से। 31 नंबर प्रश्न का जवाब, बहुत बढ़िया, क्या होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है सर एक बार लाइक कर दिए हो यार, लाइक करते हो वही एनर्जी है वही पावर है, जल्दी से करो। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, जल्दी बताइए फटाफट से। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, जल्दी बताओ, अपवर्तन, परिकीर्णन, परावर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। 32 नंबर प्रश्न का जवाब, जल्दी से बताओ तो, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया रुचि जी, शुभम जी, रजनीश जी, राहुल कुमार, आशुतोष जी, पल्लवी कुमारी, राकेश कुमार जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बढ़िया जा रहे हो, बिल्कुल परिकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है। सर समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और दूर कितनी होती है यानी अधिकतम कितनी होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा यहां से 25, देखो सेंटीमीटर कहां है, ऑप्शन नंबर सी में, देखो कैसे आपको भूल जाएगा कि गड़बड़ हो जाए। देखो 25 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 यहां पे एक सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर, देखो यहां पे पॉइंट एक लगा करके आपको ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, जल्दी बताओ। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यानी कि f बराबर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, तो p बराबर क्या होता है? 1 बटे f होता है, यही होता है ना।
अब पी का वैल्यू हम लोग को प्राप्त ही करनी है। पी बराबर ये किसमें दी गई है, ये सेंटीमीटर, ये हम लोग किसमें होती है, मीटर में होती है। अगर हम लोग पी बराबर अगर सेंटीमीटर में बात करते हैं तो हम लोग क्या होती है 100 बटे cm होता है, यानी कि अगर सेंटीमीटर होता तो 100 होता है, ठीक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे F का मान कितना है 50 है, 50 रख दिए इधर 1, P में 50 से गुणा करेंगे हो जाएगा कितना 50P बराबर कितना हो जाएगा 100, P से कटाएंगे कितना 50 दूनी 100, 2 डायमीटर हो जाएगा। लेंस कौन सा कह रहा है, उत्तर लेंस, उत्तर कह रहा है तो प्लस वाला होगा, कहां पे है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ये बात ध्यान रखना। अगर यहां पे अवतल कह देता तो माइनस वाले पे टिक करते, ठीक है ये बात गौर करके रखना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है चलिए कहीं गड़बड़ ना हो जाए ये बात ध्यान रखना। अगला, लाइक करके शेयर करो चैनल पे, पहले बार सब्सक्राइब करो नहीं तो आगे से क्लास बाबू नहीं मिलेगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, ठीक है चलो। अगला, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, एक प्रिज्म जो होता है वह कितने सतह से घिरा होता है, जल्दी बताइए एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, एक प्रिज्म जो है वह कितने सतह से घिरा होता है, जल्दी से 35 नंबर प्रश्न का जो आप देखते हैं सबसे तेजी से किसका आता है, ए नंबर, बहुत बढ़िया, 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल 35 का, जल्दी बताओ तुम, एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है, क्या होगा एक प्रिज्म कुल कितने सतह से, यार 5 सतह से घिरा होता है ना, ऑप्शन डी होगा इसका, ए नहीं होगा, ठीक है 2 नहीं होगा, ऑप्शन आपका डी होगा इसका, ठीक है चलो हां 35 का, चलो आगे बढ़े, हां 5 होता है, बिल्कुल बिल्कुल डन 5 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, जल्दी बताइए, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर की पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा, किसके द्वारा पक्षमाभि मांसपेशियों के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर डी नंबर बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा, बोलो यस गुरु जी। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, भाई साहब ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आपके अगर कोई आपके एग्जाम में अगर साइंस से अगर सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन पूछा तो यही वाला है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, सबसे ज्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो यही है आपके एग्जाम में, कितने नियम होते हैं 2 नियम होते हैं, कौन कौन होते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, डन इस तरीके से ये आपका कोई दर्पण हो गई, ध्यान से समझना ये आने वाली किरण है आपतित किरण, ये दर्पण से टकराकर जाने वाली किरण है परावर्तित किरण, ये किरण आ रही है और टकराकर किए जा रही है, आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाले किरण को क्या कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं, इसके बीच जो डाला गया जो लंब होता है यानी कि अभिलंब होता है ये तीनों देखो तो आपतन बिंदु पर होता है, ये तीनों का तीनों एक ही तल में होता है, पहला कंडीशन थे। दूसरा कंडीशन होता है जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है जिसे हम लोग कोण आई कहते हैं और आपतन ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कोण आर कहते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, ठीक है ये दो नियम होते हैं, ये दोनों नियम याद करके रखना, कभी सब्जेक्टिव में पूछता है कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देता है कि भाई साहब कितने नियम होते हैं, ये बात ध्यान रखना, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए यही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है ना उसका अभिदृश्य कैसा होता है, क्या वो उत्तल लेंस का होता है या अवतल लेंस का होता है या उत्तल दर्पण का होता है या फिर अवतल दर्पण का होता है, वो किसका होता है वास्तव में आपको ये बताना है। मंटू सर आप मेरा नाम लीजिए, बिल्कुल सोहिल शमीम बिल्कुल आपका नाम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे चलो बताइए क्या होगा 38 नंबर प्रश्न का जवाब,
तो कहोगे सर ऑप्शन जो ए नंबर है उत्तल लेंस, वो हम सभी का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। जल्दी बता दो फटाफट से, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोग बता दो जल्दी से। 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न का जवाब बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होगा? फोकस से। क्या होगा सर? फोकस से होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। डन, क्या हो जाएगी? ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या चीज नहीं होगा भाई? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? जल्दी बताओ क्या नहीं होगा? क्या उसका अपवर्तन नहीं होगा, या वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, या विचलन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? 40 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग, एकदम यूं देखते देखते जल्दी से बताओ। हां बहुत बढ़िया, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका नहीं होगा। जल्दी बताइए फटाफट से किसका जवाब क्या होगा। साथियों बहुत जल्दी आपके लिए कुछ खास लेकर के हम आ रहे हैं, एक बार फिर धमाका होगा और एक बार फिर आपके आप टॉपर बनने का सपना पूरा होगा। इस वर्ष फिर से आप लोग डीएलएस एजुकेशन मिंटू सर के फिर से आप लोग एक बार फिर डंका बजाइएगा आप लोग, और आपके हाथ में वो चीजें कलम आपको पकड़ाने जाने वाली है, और वो चीजें अब अंतिम समय आपको हम देने वाले हैं जिसका आपका इंतजार था, जिससे आप पढ़ के समझ के अब आप बेहतर कर पाएगा, क्योंकि अब समय नहीं रहा, ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो आपका ये क्रैश कोर्स है, रिवीजन बैच है, ये अब आपका लंच होने होगा बहुत जल्दी। वो कैसे होगा, क्या कुछ होगा, कैसे करना होगा, ये सब कुछ YouTube पे भी होगा और ऐप पे भी होगा, ठीक है। YouTube पे किस ढंग से होगा, ऐप पे किस ढंग से होगा, बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट हम लेकर के आने वाले हैं। आपका नोट्स भी मिलने वाला है, हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब अनाउंसमेंट हम करेंगे उस दिन आपको बखूबी तरीके से आना है, ठीक है बिल्कुल। क्या होगा? हाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सर सी नंबर, कि विचलन इसका नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करके आनी है, किसी 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है, कौन करती है? पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करती है? उच्च दाब की हवा, या स्थिर हवा, या गतिमान हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी करिए ताकि हम लोग क्या होगा। बिल्कुल लेकिन साथियों इसमें ध्यान देना, इसमें वर्ण विक्षेपण दिया है क्या? एक क्वेश्चन है इसमें 40 नंबर में, इसका वर्ण विक्षेपण यार होना चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन बी ही होगा, ठीक है। मुझे डाउट लग रही है, एक बार थोड़ा सा चेक करना इसको। कह रहे कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो उसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? तो उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी इसका, ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़े। अरे बोलो भाई साहब। चलो 41 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए तो, 41 का, हां बिल्कुल, कि गतिमान हवा होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? जल्दी से बताओ फटाफट से जवाब बताइए, किसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब बताइए। 42 नंबर प्रश्न का, बहुत बढ़िया, ए नंबर ऋणात्मक, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। अगला,
निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है भाई, विद्युत का सुचालक कौन है जिससे आपका विद्युत जो है प्रवाह हो सकती है, वो कौन है इसमें से। चार ऑप्शन है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर या फिर हीरा। जल्दी से जवाब बताइए फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन का जवाब बी नंबर, बहुत बढ़िया सर, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट ऐसे कैसे कहां देख सकते हैं, जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल के जो बीच में होती है ना, उसे है ना, वही होती है। चलो अब दोनों तरफ इसको छील के आओ, ये ब्लॉक में सटा के एक छोर को छूना मत, ठीक है, नहीं तो मार देगा करंट बिना मतलब का। कह रहे कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या यानी क्या है, आर बराबर भाई साहब वक्रता त्रिज्या को आर से कहते हैं, वो 1 मीटर कह रहा है, ठीक है। अगर मीटर को सेंटीमीटर बदले तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर सेंटीमीटर में ही ऑप्शन है ना। अब कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं एफ बराबर आर बट्टे टू होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एफ यानी आर कितनी है, 100 है। अब 100 में हम लोग 2 से भाग दे देंगे, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, देखो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बी सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, बताओ फटाफट से। सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब आपकी जाती है, जाती हुई जो किरण है वो अभिलंब से विचलित हो जाती है, जल्दी बताइए। 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब, बिल्कुल वो क्या हो जाती है, अभिलंब से दूर, क्या हो जाती है, वो अभिलंब से दूर हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जल्दी बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी है। 46 नंबर प्रश्न का जवाब ए नंबर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, जनित्र है। विद्युत धारा, जनित्र का मतलब क्या है भाई, सिंपल भाषा में समझो, जनरेटर, जनरेटर देख ले बड़ा ना, शादी विवाह में जब यूज कर ला ना करंट पैदा कर खती, तो वही समझ ला कि विद्युत धारा यानी करंट जिससे पैदा करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। 47 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है, तो कोयला है, क्या है, कोयला है। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा सर, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ फटाफट से। 48 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, जल्दी से जवाब बताइए। एक बच्चा क्या लिख रहा है भाई, कहां गया आपका कमेंट, नहीं दिख रहा। आरके डांस ऑफिशियल, बिल्कुल आपका नाम ले लिए। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। बिल्कुल, चलो नाम देकर के देखो, नंबरिंग देकर के आप जवाब दोगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। ए नंबर विचलन, चलो आगे बढ़ते। ये देखो क्वेश्चन जो है ना, ये 49 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो है, वो कितने वोल्ट पर कार्य करती है। 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा कार्य करती है, या 12 वोल्ट के दिष्ट धारा, या 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा पर, या 12 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा पर कार्य करती है। यह आपको इसका बता रहा है, इसका सही जवाब होगा क्या, निमिषा कुमारी बोल रही है कि सर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इग्नोर कर रहे हैं, मेरे सामने कमेंट ही नहीं, जैसे कि काफी सारे बच्चे जो कमेंट करते हैं तो एक साथ स्क्रॉल हो जाता है, तो फिर जिसका सामने आया उसका नाम ले लिए, बाकी स्क्रॉल हो जाता, कोशिश तो सबकी रहती है यार। चलो 49 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, सी नंबर, बहुत बढ़िया, 220 वोल्ट के प्रतिवर्ती धारा पर, ओके ऑप्शन सी। अगला, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है,
जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? जल्दी बताओ, जस्ता की परमाणु संख्या जल्दी से बताए तो जस्ता की परमाणु संख्या क्या होती है? 50 नंबर। बहुत बढ़िया, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ता की परमाणु संख्या कितनी है? बहुत बढ़िया, 30 होती है ना। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, गुड। चलो क्या होती है? 30 होती है, ऑप्शन डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का मतलब क्या हुआ? धोवन सोडा। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन आपका ए नंबर दिया गया है, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? भाई क्षारक तो इसमें से सब है, लेकिन इसमें से प्रबल क्षारक आपको बतानी है। प्रबल क्षारक की पहचान करनी है कौन होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दी गई है यहां पे, NaOH जो दी गई है, वो आपका प्रबल क्षारक है। यानी ऑप्शन आपका जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डन है, चलो आगे बढ़े। एक बार बोलो यस, आगे बढ़िए। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट, सर हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? यह 53 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देनी है। तो कहिएगा कि सर जी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ना, वो हेमेटाइट ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी नंबर आपका जो आयरन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड अयस्क का, बिल्कुल सल्फाइड अयस्क का सांद्रण होता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। किसके द्वारा होता है? फेन उत्प्लवन विधि, यानी ऑप्शन जो है डी नंबर वो आपका सही जवाब होगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा। डन, आगे चलो। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि अभिक्रिया 2N यानी कि जिंक से अभिक्रिया, जिंक जो अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से बनाता है ये जिंक ऑक्साइड, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बतानी है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। क्या होगा यह, किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह 55 नंबर प्रश्न का जवाब बता दो, ए नंबर। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? यह उपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन ए नंबर। क्यों? क्योंकि जिंक में यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है, और जहां पे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी उसे हम लोग उपचयन कहेंगे, और जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी उसे हम लोग अपचयन कहेंगे, ठीक है। अगला कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? जल्दी बता दो, 56 नंबर प्रश्न का जवाब, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, क्या होता है? ग्लूकोज का C6H12 और O6 होता है। कई बार आपको मैंने रिवीजन इसके बारे में करा दिया है। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं, और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में होता है। क्योंकि अम्ल जो है वह जल में क्या होता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जो है जल में होता है। क्या चीज होता है सर? जल्दी बताएंगे आप लोग फटाफट तरीके से। 57 नंबर प्रश्न का जवाब, सी नंबर। बहुत बड़े, क्या होता है? आयनित होता है। क्या होता भाई? आयनित होता, ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? जल्दी बताइए, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो है वह विद्यमान है, यह आपको बताना है। 58 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एक। क्या हो जाएगी सर? एक हो जाएगी। अगला, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? 59 नंबर प्रश्न का जवाब, बिल्कुल सर सी नंबर। क्या बात है सर, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, हीलियम होता है। क्या होता है सर? हीलियम होता है, HE। ओके डन, आगे अगला जवाब बताओ। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो कौन है आपको बताना है। 60 नंबर प्रश्न का जवाब, बिल्कुल
फ्लोरीन जो है आपका F, ये आपका विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से कर लेते हैं। हमें पता है कि टाइम ज्यादा हो गया इसलिए भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? वैसे तो मैं आज पूरी तरीके से इस क्लास में बात ही नहीं किया आपसे, एकदम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे मैंने बात की है कि भाई क्वेश्चन क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। बिल्कुल डन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। 61 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हो जाएगा सर सी नंबर, क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बताओ फटाफट से। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, जल्दी बताइए। 62 नंबर प्रश्न का जवाब सी नंबर, बहुत बढ़िया। 7 से लेकर के 7.8 के बीच कार्य करता है, ऑप्शन सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में यौगिकों में कौन अम्ल है, इसमें से अम्ल कौन है, जल्दी बताइए। इसमें से अम्ल जो है, अम्ल आपको कौन दिखाई दे रही है? 63 नंबर प्रश्न, H2SO4। H2SO4 जो है क्या है, यह आपका एक अम्ल है, ऑप्शन डी। अगला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक जो है इसमें से कौन है? 64 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी बताएंगे ताकि हम लोग क्लास फटाफट से खत्म करें। हल्दी, चलो अगला, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता क्या भाई? तो बिल्कुल कार्बनिक अम्ल बनाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सी नंबर। अगला फटाफट से 66 नंबर प्रश्न, कह रहा है 67 नंबर, अब नहीं 66 नंबर, कह रहा है कि कॉपर पाइराइड्स का रासायनिक संगठक कौन है, जल्दी बताइए फटाफट तरीके से। 66 नंबर प्रश्न का जवाब बी नंबर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? CuFeH2, ऑप्शन बी। अगला कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाले धातु कौन है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में जो पाई जाती है धातु, उस धातु का नाम जो है वो क्या है, आपको बताना है। 67 नंबर प्रश्न का जवाब, ये सभी बच्चे जानते हैं, बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, सोना है। क्या है? गोल्ड, सोना है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन बी नंबर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वह कौन सी है इसमें से? 68 नंबर प्रश्न का जवाब ए नंबर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर? जिंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है, क्या हो सकती है, जल्दी बताएंगे। क्या होगा? 4, 5, 6 या 7, ऑप्शन बी। अगला, पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु होता है, जल्दी से करें, 10 क्वेश्चन और फटाफट से खत्म कर ले हम लोग। पीतल निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक का, क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक का, ऑप्शन ए नंबर, क्या हो जाएगा? कॉपर और जिंक का, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में कौन समावयी है, समावयी कौन है? 71 नंबर प्रश्न का जवाब, एथिल अल्कोहल और डाई मेथिल इथर, ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम, IUPAC प्रणाली के अनुसार इसका जो नाम होगा वो 72 नंबर, इसका नाम जो होगा वो होगा क्या, जल्दी से बताएंगे। 72 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? एथॉक्सिन मेथिन मेथेन होता है, ऑप्शन होगा सी। अगला, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, जब भाप से लोहा की अभिक्रिया कराई जाती है कौन सा ऑक्साइड बनता है, जल्दी बताओ। 73 नंबर प्रश्न का जवाब ए नंबर होगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा, Fe3O4, क्या होता है? Fe3 और O4 होता है, ठीक है, क्या होता है? ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की पर वर्ग संख्या जो होगी वह कितनी होगी? 74 नंबर प्रश्न के बाद सी, बहुत बढ़िया, क्या होगी? 16 होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? 75 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए, क्या होगा 75 का? सी नंबर हो जाएगा, कॉपर। चलो अगला क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन और है, और आप हमें बताएं कितने प्रश्न का आपने सही जवाब दिया। कह रहे कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर, 10% टीन, इस मिश्र धातु का नाम क्या है? बताओ, जिसमें 90% कॉपर हो और 10% टीन हो, इसे मिश्र धातु को कहते क्या है? तो उसे हम लोग कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी कि जर्मन सिल्वर कहते हैं, यानी ऑप्शन जो डी होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता क्या है? तो 74 का क्या, 77 का जवाब क्या हो जाएगा? सर सी नंबर हो जाएगा कि H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर करेगा, यानी कि दोनों ये बनाता है, ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। चलो 78 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है? उसका नाम है, याद रखना, एल्युमिनियम, AL, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य जो है वह क्या कहलाते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सर गैंग कहते हैं, ठीक है। चलो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन अब, कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बिना बात किए हुए कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन, उसका आंसर मैंने आपको डील करा दी, मतलब कि खत्म करा दी पूरी 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में मात्र हम लोग जो है लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास हुई है, इसमें पूरी आपको 80 ऑब्जेक्टिव मैंने इतने ही समय में खत्म कर दी। अगर इसी को मैं अगर बातें करते अगर खत्म करता तो मैं 80 ही क्वेश्चन बताता, लेकिन उसमें लगभग जो है आपको 1.5 घंटे लग जाती कम से कम, मिनिमम। और मैं नहीं चाहता हूं यार ज्यादा बातें हो, क्योंकि अब समय नहीं है, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन मिल रही है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आपका रिवीजन कर लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। अब आपका लगातार सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की एक ही वीडियो में मैं सोच रहा हूं कि कुछ ऐसा कर देने की जिसमें आपको 30-40 आपका ऑब्जेक्टिव कर देंगे और उसमें 10-20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देंगे, ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूं सभी सब्जेक्ट का, जिसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के पास हो जाइएगा, टॉपर बन जाइएगा, टॉपर बनने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को दोनों बेहतर से आपको करना होगा और वही करना होगा, वही पढ़ना होगा जो आपके एग्जाम में आता हो, और सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो हो जाएगा, या दो सब्जेक्ट का पढ़ लोगे तो हो जाएगा, या फिर केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो मैं चाह रहा हूं कि बहुत जल्द मैं इसका अनाउंसमेंट कर देता हूं कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो दोनों है, तो मैं ऐसा कर देता हूं कुछ सीरीज चला देता हूं जिसमें आप सभी को फायदा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन रख दूंगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान लू कि मैं 30 ऑब्जेक्टिव कर दूंगा एक क्लास में, माने उसी क्लास में, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मिनिमम जो है कम से कम 10 क्वेश्चन तो रखेंगे, यानी कि 10 सब्जेक्टिव और ये हो जाएगा, या फिर 40 कर देंगे ऐसे, 40 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन डेली, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है, उसका नोट्स पीडीएफ भी मिल जाएगा। ऐसा मैं अभी बहुत जल्दी मैं इसको सोचना पड़ता है, क्योंकि काम अगर कह देने से नहीं होगा, जब तक उसे पूरा नहीं, जब तक पूरा हम प्लान नहीं करेंगे कि हाँ संपन्न हो जाएगा ये सारी चीजें, तब तक हम ये चीजें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये समझो कि होगा, बहुत जल्द उसका भी अनाउंसमेंट होगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रही है। आप फटाफट से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी आपको होने वाली है ना, तो वो ऐप और वेबसाइट, ये ऐप और यूट्यूब दोनों के लिए अलग अलग तरीके से मैं करूंगा, ठीक है। आपको बस अब अंतिम समय है, और अंतिम समय आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। ओके साथियों, लव यू, फिर मिलते हैं आपसे अगले वाली नेक्स्ट क्लास में। इसके पहले जितने क्लास नहीं देखे हो जरूर देखिएगा। ओके, देन।